अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे लौकी का केक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने दो लौकी लिए हैं, इसको अच्छे से पहले धो दिया है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। ये पहले ये फ्रंट साइड निकालेंगे, उसके बाद इस तरीके से हम इसका छिलका निकालते जाएंगे। लौकी को छील दिया है मैंने, अब हम इसके पीसेस बना लेंगे इस तरीके से। पीसेस बना लेंगे, उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। लौकी को इस तरीके से ग्रेट करते जाएंगे, इसमें बीज नहीं है, ग्रेट करते जाएंगे। लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है मैंने। ये चिल्ड वाटर लिया है मैंने, बिल्कुल कोल्ड वाटर है, बहुत ही ठंडा है। अब हम इसको लौकी को इसमें डाल देंगे ताकि लौकी ब्राउन ना हो। लौकी ग्रेट हो गए हैं, अब हम इसको ठंडे पानी में से निकाल लेंगे। इस तरीके से अच्छे से हम इसका पानी पूरा निचोड़ लेंगे, निचोड़ के इसमें डालते जाएंगे। ठंडे पानी में रखने से ये बेनिफिट है कि हम एक घंटा भी अगर इसके अंदर रखेंगे तो ये ब्राउन नहीं होंगे। पानी अच्छे से निकाल दिया है मैंने लौकी का, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हम 2 स्पून घी डाल देंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ये लौकी डाल देंगे ग्रेट किया हुआ। मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, इसको पूरा पानी सूखने तक हम मिलाते जाएंगे। घी में थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसको हम अच्छे से मिलाते जाएंगे, जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता हम इसको मिलाते जाएंगे। पानी अच्छे से इसमें सूख गया है लौकी में। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ 1 कप। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें अमूल फ्रेश क्रीम डाल देंगे 2 स्पून। फिर इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। वन स्पून इलायची पाउडर है, ये भी डाल देंगे हम इसमें, फ्लेवर थोड़ा और अच्छा आएगा इससे। फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते जाएंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, चीनी आप आपके हिसाब से डालिए। फिर इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें फूड कलर डाल देंगे 1 स्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं स्किप भी कर सकते। इसको मिक्स कर देंगे, ये देखिए कलर चेंज हो गया है इसका। अब हम इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए पानी अच्छे से सूख गया है इसमें लौकी में। अब हम इसमें से हाफ इसमें निकाल लेंगे। इसके क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम इसमें काजू डाल देंगे, मैंने बारीक कर लिया है काजू को, अच्छे से मिला लेंगे। ये मिल्क पाउडर है 2 स्पून, वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। इसको अच्छा सा इसका पूरा मॉइस्चर जाने तक हम इसको सुखाएंगे पानी। अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे।
हाफ मीठा मैंने निकाल के रखा है लौकी का। अब मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इसको हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको मिक्स कर लेंगे। रेड फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया है। ये कंटेनर ले लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे हम ऑयल से। अब ये बटर पेपर रख देंगे इस तरीके से इसमें हम। अभी जो लौकी का मीठा बनाया है मैंने ग्रीन कलर का, इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हम प्रेस करते जाएंगे। स्पैचुला की मदद से हम अच्छे से इसको सेट कर देंगे। अब हम इसमें फिर से ये दूसरा जो कलर मैंने अलग बनाया है लौकी को, इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे कलर। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है ये। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से नाइफ की मदद से हम साइडों से हम इस तरीके से करते जाएंगे। अब इसको हम पलट देंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे हम। आहिस्ता से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बनकर रेडी हो गया है हमारा लौकी का केक। अब ये बटर पेपर निकाल देंगे हम। तो ये देखिए हमारा लौकी का केक बहुत ही अच्छा से बन गया है। अब हम इस पर चेरी रख देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी अच्छे से बन गया हमारा केक, बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पर थोड़ा से चेरीज डाल देंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो सो गाइस, ये देखिए हमारा लौकी का केक बनकर रेडी हो गया है। सो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी